Good morning. It's time to go. Are? Hello? Hello? Good morning. It's time to go. Are? भाई टाइम टू गो पे देख रहे हो हरकते किचू लेट हो गए चलो बाय 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 भाई जाने कोई तैयार नहीं है आजा धीरे धीरे आ रहा है कोई तो धीरे 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 तो कोई आ रहा है ए बी सी डी ए बी सी डी Very good. Now I know my everything. Next time, everything. Sing with me. Very good, teacher. Sare Papa. Padha. Gita. Sare. Papa. Mama. Risa. Very good. तो अर्चना के लिए हॉट चॉकलेट और ब्रेकफास्ट उठा लिया है ग्रेग से खाने का मन कर रहा था उनका तो उनका चलो ले आते मैं खाऊंगी अंडा और ब्रेड व्हाट्स अप एवरीवन सुबह से अभी तक मैंने कैमरा टच ही नहीं किया इसमें 2:14 हो रहे हैं मैंने एडिट ख़त्म किया अपना मैं नीचे जा रहा हूँ बर्तन धोने के लिए दिव्या पड़ रही है कीचू जा चुका है नर्सरी बर्तन धुल चुके हैं चाय मेरी बन चुकी है काफ़ी दिन बाद अपने हाथ की चाय पी रहा हूँ मज़ा नहीं आ रहा खाने की तैयारी कल मेघा ने दिए थे बहुत सारे पैक कर दिए थे उसने पुलाव हाँ, तो क्योंकि हम लोग डिनर करके गए थे तो हमने वहाँ खाया नहीं था बट उन्होंने भेजा था तो हम लोग ये लंच में कर रहे हैं काफ़ी टेस्टी लग रहा है सोया तो मैंने पूरी बात पहली बार देखा है सोया कहाँ से आया अच्छा वो उनको मिल गया ना न्यूट्रेला अच्छा यार मिलता है इंडियन मार्केट सोया चाप भी खाई थी उस दिन हमने वहाँ भी की बहुत टेस्टी थी कितने दिन बाद हम साथ में बैठ के खा रहे होंगे ना तो अर्चना ने मांगा है स्क्वॉश तो मैंने स्क्वॉश बना दिए अब चल के देते हैं उनको <है। laughs> कितने दिन हो गए थे जो प्रैंक नहीं किया ना
कैसा ड्रिंक है व्हाइट कलर का, कुछ नया है ये। ये ठीक है कलर, इसमें मुझे नींबू कलाकारी की होगी। मैं भी इतना भी नहीं है। एक प्रैंक तो मेरे पे कर चुकी है, ये ठीक वाला बना के आया, पीच पीच स्क्वाश है, तो मेरे को बोल रही कि इसमें अगर हम टी बैग डालेंगे तो आइस टी बन जाएगी। कीचू को लेने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, दिव्या घर पे ही है, उसको थोड़ी सी सर्दी लग गई है मुझे लग रहा है, मतलब जुकाम सा हो गया उसको, तो वो नहीं आ रही बाहर, जल्दी से उसको लेके आता हूँ। ये जैसे ही बाहर आता हूँ ना, इतना इतना पॉजिटिव लगता है ना ये देख कर, इतना कलरफुल सीन, क्या बताऊँ मैं आपको। हम लोग सोच रहे हैं वीकेंड पे कहीं बाहर जाने का, देखते हैं क्या प्लान बनता है। बड़ी मुश्किल से उठाया मैंने इसको, कमर में दर्द है क्योंकि, लेकिन मैं बेल्ट पहन के आया हूँ सपोर्ट वाली। अभी इतनी झंड हुई ना मेरी, तो आज ना ये ब्लू वाला बैग नहीं लाया, पिंक वाला बैग लाया, तो उसकी टीचर ने मेरे को बैग ऑलरेडी दे दिया था, मैंने पहन लिया, पहन के मैंने उसको गोदी में उठाया, इसकी जैकेट उठाई और मैं इसका ब्लू वाला बैग ढूंढ रहा हूँ। फिर मैं वापस अंदर गया, मैंने कहा इसका बैग कहाँ है, तो कहते यू मतलब आपके पास ऑलरेडी है, मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है इसका बैग, कहाँ है, कहते आपने पहना हुआ है, तो अच्छा ओ सॉरी मैं भूल ही गया था, मतलब बैग मैंने ले लिया है, जैसे अभी मैं भूल गया था मैंने बेल्ट पहन लिया है। कुछ चीज़ें इतनी ना मतलब मसल मेमोरी बन जाती है कि आपको याद नहीं रहता कि आपने वो एक्शन किया है, क्योंकि कॉन्शियसली आपने वो रजिस्टर नहीं किया। एनीवे और ये सामने ट्रैफिक जाम हो रखा है फॉर सम रीज़न, क्योंकि बस रुक गई है, शायद बस ख़राब हो गई ये वाली। हाँ ये बस ख़राब हो गई भाई, उस वजह से ट्रैफिक हो रखा है, सब लोगों को उतरना पड़ा बेचारे। कुछ बाहर आ जाओ, मत कर भाई, चला रहा गाड़ी है, इसमें कीचू नहीं है, सिर्फ जैकेट है। ना नी नो बाता, हाय कीची, हाउ वाज योर डे? Happy, okay. No. मैंने पी नहीं, बुआ का। मत याद दिला उसको। बाय कीचू। मम्मी बिना मम्मी के निकलता नहीं आजकल घर से कीचू। एक हफ्ता नर्सरी नहीं गया था ना, उसके बाद से वो जा रहा है, तो उसको अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा मुझे फिर से जाना पड़ रहा है, मतलब वापस से सेटल होने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, और अब फिर 3 दिन का ब्रेक आ जाएगा, मतलब कल हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने का। आई माइट हैव इंस्टेंट प्लान बन गया हमारा, तो एयरबीएनबी भी बुक हो चुका है, कहाँ पे वो आपको हम कल दिखाएंगे, बट फिलहाल उस छुट्टी के लिए जितनी भी शॉपिंग की ज़रूरत है वो करने के लिए हम जा रहे हैं। गाड़ी में हवा भरानी है, फ्यूल अप करना है, इंजन ऑयल चेक कर लूँगा जाने से पहले एक बार, मेरे को सिखाया था पुनीत ने कैसे करते हैं, और क्योंकि लंबा ट्रिप है ना 2-2.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। मैं आ चुका हूँ फ्यूल अप करने के लिए, डीजल का रेट देख के होश उड़ गए भाई, 175 रुपीस पर लीटर, 175। किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले ना ये कर लेना ठीक रहता है कि सब चेक कर लो, हवा पेट्रोल, अभी इंजन ऑयल भी घर जाके मेरे पास रखा है वो चेक कर लूँगा, अगर कम होगा तो डाल दूँगा, ताकि लॉन्ग ट्रिप में कोई दिक्कत ना आए। आज ये बच्चा जमीन पे लेट गया टेस्को में, हाँ, ये खिलौना पकड़ के, कि ये लेके रहना है, ये नहीं दिलाओगे तो
तो मैं यही पड़ा रहूंगा। मैं आगे चल गई, ये पीछे लेटा हुआ था, रो रहा था। मैंने कहा भाई, फिर फाइनली खुशी देख सकते हो आप उसकी। बट थैंकफुली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, तो हमने यही सोचा कि इसके काम नहीं आया तो इसके अब्बा के तो काम आ ही जाएगा। क्या कहते हैं आप? सही बात, खिलौनों से म्यूजिक बनाना पड़ेगा मुझे। खिलौनों से म्यूजिक बनाना पड़ेगा। यस, पर कीचू बहुत खुश है उस खिलौने के साथ। कीचू ने म्यूजिक वाला इंस्ट्रूमेंट चूज करा है फिर खुद से। देख रहे ना कैमरे पे, देख रहे हो, सबको दिखा रहा है। सारे गामा पा गरे सा, धीरे देखो हमारे मोमोज कैसे बनते हैं, साथ साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस हो जाती है। इतना घबराई हुई है, तेल उड़ उड़ के फट रहा है। तेरे ऑलरेडी प्रैंक हो चुके हैं आज के बहुत। क्योंकि बैकग्राउंड शोर दे रहा है। डिनर हो गया था, इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं। घर की सफाई भी हो चुकी है, दिव्या ने किचन पूरा साफ़ कर दिया था, मैंने हॉल वॉल पूरा साफ़ कर दिया और पैकिंग सुबह उठ के करेंगे। अभी निकलने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरा पॉडकास्ट अपलोड करना है, मुझे शेड्यूल करना है और ये वाला व्लॉग एडिट करके फिर सोऊंगा। तो ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक्ड इट, सी यू टुमारो। कल दिखाते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह, मज़ा आ जाएगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल।